हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और यार, सुबह से घर पर बैठे, मतलब बारिश शुरू है, कल रात से शुरू हुई है, अभी तक बारिश चल रही है। बारिश हुई तो होती नहीं है, अगर हो गई ना तो ऐसा चलता रहता है। अरे क्या हो गया, शुरू होना भाई साहब। ओके, तो चलो मिलता हूँ यार, बैठ कर बोर हो गया था तो सोचा थोड़ी देर बाहर घूम कर आता। अब यार गलत स्कैम हुआ मेरे साथ, मैं यहाँ पर आया था लोच आयन कर यहाँ पर, लेकिन भाई साहब वहाँ पर कोई नहीं है, एक भी आदमी नहीं है वहाँ पर। और मोबाइल भी मैं गाड़ी में भूल के गया था, तो उसको फ़ोन लगाना था, तो सोचा यहाँ पर आकर लगाता हूँ। फिर अभी देखता हूँ मैं उसको कॉल करके, आया तो ठीक, नहीं तो दूसरा कहीं तो डाल देंगे हम। अब यार ये एंगल मेरे को सही मिला, आगे देखकर बात कर सकता हूँ। तो अभी यार फिलहाल मैं ऐसे घूमने आया था, घर पर बैठकर बोर हो गया था, तो एक दोस्त को भी मिलना था लेकिन वो थोड़े बाहर गए हैं, तो उसको बोला ठीक है चलो यार मैं आता हूँ। फिर मेरे को भी एक जगह बाहर जाना है, इसलिए यार बारिश का क्या पता नहीं क्या चल रहा है सीन, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और कम भी नहीं हो रही, थोड़ी से भी कम नहीं हो रही बारिश। अभी यार भाई साहब डर डर लगता है, आगे से लड़कियां जा रही थी बिना इंडिकेटर दिए यही मुड़ रही थी, तो हॉर्न देना अपने सेफ्टी के लिए सही है। तो अभी यार ये देखो बारिश, भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं रह रहे, कंटिन्यूअसली पड़ती ही जा रहे, पड़ती ही जा रहे। आज इस रास्ते पर बहुत भीड़ रहेगी, और वो देखो बस भी जा रही एक के पीछे एक, क्योंकि विट्ठल टेम्पल है वहाँ पर, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है इस समय में, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहेगी। आप कल ही है ना, तो आज सारे जा रहे हैं, मतलब भर भर के जा रहे हैं 4 बजने को आया भाई, बारिश ख़त्म नहीं हो रही, मतलब इससे शिकायत नहीं है मेरे को, लेकिन आए तो ना तेज़ आए यार, ऐसे हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदे, यार बाहर निकल नहीं सकते ना ऐसे सिचुएशन में, घर पर ही बैठना पड़ता है। ठीक है, आज गाड़ी थी मेरे पास तो मैं आ गया था बाहर, और बाहर आके भी क्या करूँ, आके लाऊँ कहाँ घूमूँ। ये देखो यार बारिश, मतलब सही में यार बहुत, और ऐसे लोग भाई भाई मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, एक तो क्रॉस करो या ना करो, करो या ना करो, मतलब खुद भी कंफ्यूज होते हैं, हमें भी कंफ्यूज करते हैं भाई। ये देखो बस भाई कितने जा रहे हैं पंढरपुर के लिए, बहुत जाते हैं, सांगोला से अब लगभग 20 मिनट में एक बस रहेगी। अभी आठपाड़ी का प्लान शायद से कैंसिल हो गया ऐसा मुझे लग तो रहा है, पता नहीं देखते हैं, क्योंकि यार ये देखो बारिश, और मम्मी भी गई थी पंढरपुर तो आई है पता नहीं है। और ये देखो और एक बस, कंटिन्यूसली बस चलेगी अब, क्योंकि भीड़ बहुत रहते हैं, लगभग अराउंड 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इस बार आएंगे, क्योंकि 2 साल से वो टेम्पल बंद था, तो अभी खुला है ना तो बहुत सारे लोग आएंगे भाई। और हमें यहाँ से लगभग वो 28 किलोमीटर पड़ता है सांगोला से। ये देखो और एक बस, अभी वीडियो शूट शूट करते कितनी बस गई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अभी यार मैं सोच रहा था कि क्योंकि बारिश आ रही है ना, तो इसमें कांदा भजी भाई साहब नेक्स्ट लेवल, अभी वही लेके चलते हैं, गर्मा गर्म होंगे तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे भाई, क्योंकि गर्म भजिया खाने का मजा आता है। एक तो बारिश हो रही है, इतना ठंडा माहौल है। अभी यार लेके जा रहा हूँ मैं, और पूरे गाड़ी में स्मेल फैल रही है, और अभी पापा के भी कॉल आया था यार, उसने बहुत देर कर दी भाई, क्योंकि यार पहले तो यार वो वहाँ पर बनाया नहीं था, उसने मैं गया तब बनाना शुरू किया, तो बहुत देर हो गई। तो अभी पापा को बोला कि आ रहा हूँ मैं, रुको, शायद मेरा मतलब फिक्स नहीं कि मैं जाऊँगा, पता नहीं देखते। अभी यार पहुँच गए, एक्चुअली हम अटपड़ी में पहले मेरे मामा के लड़का होटल शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर आए ये देख सकते हो आप, पप्पा मम्मी
और हम सब आए थे होटल देखने के लिए। और फिर यहाँ से जाएंगे चोपड़े के ग्रैंडफादर, उनके आँख का ऑपरेशन हुआ है वो देखने के लिए जाना है, तो यहाँ से वहाँ जाएंगे। और आप गाड़ी मैं नहीं लूँगा, मैंने आठ पड़े तक ले ली, अभी योगेश दाजी गाड़ी ले लेगा। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। घर पर आया हो, मतलब हम जब सांगोल से निकले तब मैंने गाड़ी ली थी और अराउंड लगभग हम एक घंटे में अटपाड़ी तक पहुंच गए थे। अटपाड़ी में जाके फिर अटपाड़ी से मेरे को लगता है आधा घंटा तो हम रुके होंगे वहाँ पर, जहाँ पर मेरे मामा का लड़के का होटल का काम चल रहा है वहाँ पर रुके थे। वहाँ से फिर हम गए एक दूसरे रिलेटिव के घर, फिर वहाँ से आकर हम आ गए अब चौपड़ी में। तो अभी यहाँ पर खाना खाने का प्रोग्राम है, खाना खाने के बाद फिर घर निकल जाएंगे। आज का पूरा दिन ऐसे ही गया और बारिश यार अभी तक नहीं रुकी, मेरे को पता नहीं चल रहा है, कल रात शायद मिडनाइट शुरू हो गई होगी, अभी तक चल रही, पता नहीं क्या मतलब। और ऐसे भी नहीं कि ज़ोरदार हो रही है, वही थोड़ी 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 गिर रही है। और अभी गया, आज का दिन तो गया मेरा। पुणे में भी जाना है भाई, मन नहीं कर रहा है। एक तो यार बारिश के सीज़न में ना पुणे में यार मतलब बस से जाना ना बहुत यार हेडेक है यार। एक तो मुझे क्या करना पड़ता है भाई, मुझे उतरना पड़ता है हड़पसर में, हड़पसर से मेरे को PMPL लेके फिर जाना पड़ता है वागोली के लिए, वही मेरे को बहुत हेक्टिक लगता है यार भाई। क्योंकि अगर सीधा वागोली पर हमारे ट्रैवल्स नहीं जाते, हमारे गांव से जो ट्रैवल्स जाते वो नहीं जाते, अगर वो जाते तो मेरे को कोई टेंशन नहीं था। तो चलो जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। और मैं अभी बाहर आ गया था, वो सब बैठे हैं अंदर, मैंने सोचा यार बाहर आकर ब्लॉग शूट करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं इसलिए बाहर आ गया ताकि ब्लॉग शूट कर सकूँ, क्योंकि अंदर उनके सामने ब्लॉग शूट नहीं कर सकता मैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।